माता जी के दर्शन करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं बाबा भैरव जी के दर्शन करने, क्योंकि यहाँ पर मानना है कि जब तक आप भैरव जी के दर्शन पूरे ना कर लो तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं होती। मतलब कि पहले आपको माता जी के दर्शन करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपको निकलना पड़ता है बाबा भैरव जी के दर्शन करने के लिए, फिर जाके आपकी यात्रा सफल होती है। और ऊपर से यहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इस जैकेट में भी ठंड लग रही है अभी। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर ही बचा है बाबा भैरव जी के जो मंदिर है, बाबा भैरव जी का जो मंदिर है यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर ही बचा है। अभी थक भी चुके हैं क्योंकि 13 किलोमीटर ऑलरेडी भी हम ट्रैवल करके आए थे, देन उसके बाद 1/2 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं और 2 किलोमीटर बचा हुआ है। ये हो गया 15.5 किलोमीटर। ठीक है, चलते चलते अब बाबा भैरव जी के दर्शन भी कराते हैं, अपनी यात्रा सफल करते हैं, फिर उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। जय माता दी, जय माता दी। तो हम आए थे वहाँ से दर्शन करके माता जी के, तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है, इस स्टिफ चढ़ाई है। और अपना भाई भी पहुँच गया। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है, थकावट कितनी है? बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम काम करते हैं, उन दोनों को पूछते हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं कि उनकी हालत कैसी है। ये लो पानी। अच्छा आप बताओ, आपकी हालत कैसी है अभी? बस बहुत मजा आ रहा है, बस थोड़ा थक गया। बहुत मजा आ रहा है, बस 2 मिनट रेस्ट करेंगे। 2 मिनट रेस्ट करेंगे। अच्छा आप बताओ, आपको कैसा फील हो रहा है अभी? मेरे को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। नहीं, थकावट के लिए पूछ रहा हूँ भाई मैं। थकावट इतनी ज्यादा नहीं है, बट है। हाँ, थकावट दूर करने के लिए इनके पास वो क्या है, विज्ञान के दियो चमत्कार है फोन। अच्छा अच्छा, जो काफी इसको हेल्प कर रहा है, जो भी थकावट है दूर हो रही है। क्या नाम है लड़की का? और सिर को सॉरी सॉरी सॉरी, लड़की का नहीं, फ्लो फ्लो में निकल गया, स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी, सॉरी ब्रो। सो वी आर बिटवीन द जंगल, क्योंकि ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, सिर्फ हम 4 जो यहाँ से निकल रहे हैं। और आगे पीछे ठीक ठाक और घना जंगल है, पर माता जी का नाम लेके हमें निकलना ही है यहाँ से। जय माता दी। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के बाद हम भैरव बाबा जी के मंदिर पहुँचे हैं और दर्शन करके अभी बाहर निकले हैं, और यहाँ पर कोई भी नहीं है अंदर। हम दोनों अकेले गए थे और दर्शन करके आए हैं, काफ़ी मज़ा आया है। अभी रेस्ट करेंगे, अभी जो हमारे साथ हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा क्यूट काका वो भी रेस्ट कर रहा है। आधा घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम अभी कटरा के लिए निकलते हैं। रात के कितने बज रहे हैं अभी? सुबह के 4 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? सुबह के बज रहे हैं, सुबह के 4:30 हो रहे हैं। हमने रातों रात ही सब कुछ कर दिया है, रात को ही माता जी के दर्शन करे, देन उसके बाद हमने भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिए। तो हमारी सुबह, हमें लगता है कि जैसे सूरज निकलेगा तो हम कटरा पहुँच जाएंगे। सोचा तो है, सोचा है हमने, अभी आगे क्या होता है वो रब जानता है। तो मिलते हैं आपको सीधे ही कटरा। कटरा ही। क्रिटी साहब दिख ले यार, अभी क्या हुआ था कि यहाँ पर बंदरों ने अटैक कर दिया, इसलिए मैंने पेड़ चढ़ा लिया। हमारे पीछे कुछ यात्री आ रहे हैं, तो उनका सारा सामान जो भी प्रसाद वगैरह था वो ले गए हैं सारा, लेकिन वो कैसमी हमने एक आइडिया लगाया, हमने एक बैग में डाल लिया और दो एक इसने डाल लिया अपने पेड़ के अंदर, जैकेट के अंदर भाई, मैंने कज़न ने डाल लिया जैकेट के अंदर। अभी दोबारा यहाँ पे गुप्त अंधेरा, मतलब कि दोबारा यहाँ पे अटैक हो सकता है, हो सकता है
उनका इलाका है वो कर सकते ये उनका इलाका है तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें दोबारा रोशनी में जाना पड़ेगा। वो जोन उनका है ना, इसीलिए अटैक कर रहे हैं। वो अटैक इसलिए कर रहे हैं, आएंगे हम भी अटैक करेंगे। हम कैसे अटैक करेंगे? जैसे वो पबजी तो बैन है, नहीं जैसे वो बाइट करेंगे हम भी बाइट करेंगे। हम भी बाइट करेंगे अच्छे से, उनकी जो लेफ्ट बाजू होगी उन पे अटैक करेंगे। हाँ, वो आपकी लेफ्ट बाजू पे अटैक करेंगे, क्योंकि अगर वो राइट ही हुआ या लेफ्ट ही हुआ उसी हिसाब से हम उन पे अटैक करेंगे, ताकि उनका जो फ्यूचर आने वाला फ्यूचर है वो तबाह कर पाए। सोना बड़ा हुआ है शांजी छत, कोई भी नहीं है दूर दूर तक, लेकिन हम हमारे देश का झंडा दिल में है सबके, हमारे तो है ही है। कैसा लग रहा है? मत पूछो कैसा लग रहा है। हम पहुंचने वाले हैं आतकोरी, लेकिन हालत बहुत खराब है टांगों की। अभी टांगें ना कांप रही हैं, ऐसे ऐसे कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा नीचे कैसे पहुंचेंगे। क्यूट जी, आपका क्या कहना? क्या अभी थक चुके हो? आप तो बोल रहे कि इतना टफ रास्ता नहीं है। आप काफी टाइम से चल रहे हैं। टीटी जी, आपका क्या बोलना? यही बोलना कि जल्दी जल्दी घर पहुंच जाए, थक तो गए हैं, रात भर चले हैं, अब नींद भी आ रही है। इसने मार लिया कि ये थक चुका है। थक चुका है। बज रहे हैं 6, तो ये रास्ता है गोलमोल, और हम उतर रहे हैं सीढ़ियों से। अभी हम पहुंच चुके हैं आदकवारी, और अभी यहाँ पे चल रही है आरती। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अभी हम पहुंचे हैं आदकवारी, वापस रातों रात निकले हैं, और सुबह के बज रहे हैं 6:30, और अभी हम पहुंचे हैं आदकवारी। हालत पूछो मत कितनी खराब है, और धूप निकलने के कगार पर है, ऑलमोस्ट धूप आ जाएगी 1 घंटे के अंदर या 30 मिनट के बीच में। पहाड़ियों पर तो धूप पड़ रही है, अभी पहाड़ियों पर धूप पड़ना शुरू हो चुकी है, और यहाँ तक भी जल्दी पहुँच जाएगी। दिस इज़ हाउ कटरा सिटी लुक्स इन द मॉर्निंग, सो ब्यूटिफुल, एकदम खूबसूरत। हम कंप्लीट कर ही चुके थे, बट बीच में एक ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट कुछ ऐसा आया है कि हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर बचा है, पर हमारा एक जो सदस्य था ना हमारे साथ, हमारा क्यूड काका, उसके लिए हमें घोड़ा करना ही पड़ा आखिरकार। काके जल्दी पूछिए कल, ठीक है? तो आखिरकार हमें घोड़ा करना पड़ा, घोड़े की हालत खराब हो चुकी है बड़ी ज्यादा, तो इसकी डिस्क्रिप्शन मेरा भाई देगा। देखो हमें इतनी टेंशन काके की नहीं है, बट उससे ज्यादा हमें टेंशन घोड़े की है, वो ना कहीं पूरा हो जाए। उम्मीद करते हैं घोड़ा बच जाए, हम आशा सही सलामत नीचे पहुंच जाए, आशा करते हैं ये बच जाए। आशा करते हैं, इसलिए बोलता हूँ सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और घोड़े की सतर्क रहिए, घोड़े के लिए प्रे कीजिए कि घोड़ा बच जाए। जिस सीढ़ी से हमने स्टार्ट करा था, आखिरकार हम वहाँ पे पहुंच ही गए हैं। ये हमारी लास्ट सीढ़ी है, यहाँ पे ख़त्म। अब इसके बाद का सफ़र अपनी गाड़ी में करेंगे। फुल स्पीड में आए हम ऊपर से, ठीक है? तो अभी हम मिलेंगे आपको गाड़ी में ही या ऑटो में, मिलता हूँ थोड़ी देर में। जी, आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत ही ज़्यादा घोड़े पर। मैंने पहली बार घोड़े की सवारी की। अच्छा, पहली बार घोड़े की सवारी करी, और इसको डर इतना लग रहा था कि इसने घोड़े के ऊपर फोन ही नहीं उठाया। नहीं, आपने फोन क्यों नहीं उठाया घोड़े पे, मैं कोई बात बताऊं? मैं क्योंकि पहली बार घोड़े की सवारी कर रहा था। अच्छा, वो डर लग रहा था उसको छोड़ने में। हम आपको बार बार फोन कर रहे थे कि हमारा क्यूट काका कहीं गुम ना हो जाए। अच्छा, फिर आपने कॉल करी हमें। गो फाइनली ऑटो की सवारी, अपने लैम्बो की सवारी। इट्स लंबोर्गिनी ब्रो। चला दिया
तो फाइनली अपनी ऑटो की सवारी छोटी सी ख़त्म होते हुए फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। अपनी बीस्ट के पास गाड़ी में बैठो और दफा हो जाओ यहाँ से। चलो फिर तो फाइनली कटरा पहुंच चुके हैं हम अपनी गाड़ी के पास। जिस ट्रिप के लिए हम आए थे उस ट्रिप को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमारी ट्रिप काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एक काम हर बार करना, करते रहना, अपने माता पिता का ध्यान रखना। बाय। Bye, 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 bye